महर्षि वेद व्यास रचित श्री शिव महापुराण विद्धेश्वर संहिता अध्याय 3। दुष्ट बिंदुक अने धर्म प्रेमी चंचुला। शौनक उवाच। सूत सूत महाभाग सर्वोग्ये सी महामते त्व तत् प्रसादात् कृतोहोहम् कृताहोहम् पुनः पुनः। शौनक बोलिया, हे भाग्यवान सूत पुराणी जी, आप सर्वज्ञ छो, आपनी कृपाती हूँ पूर्ण कृतार्थ थयो छु, वारंवार कृत कृतार्थ थयो छु। आ इतिहास कथा सांभळी हूँ अति प्रसन्न थयो छु। हवे अन्य कोई शिवजी ऊपर प्रेम बुद्धि करनार कथा होय ते कहो। जे कथा श्रवण मात्र थी मनुष्य शिव पद ने पाम्यो होय। सूत जी बोलिया, हे शौनक, तमारी आगळ एक गुप्त कथा कहू छू, कारण के तमे शिवना भक्तों मा उत्तम अने वेद जाणनार छो। समुद्रनी पासेना देश मा एक बाष्कल नामनू गाम छे, ज्यां भ्रष्ट पापी लोको वसता हता। तेओ स्वभावे दुष्ट, दुर्विषयी, अस्त्रधारी, स्त्रीलंपट ने दुष्ट हता। ज्ञान वैराग्य अने सद्धर्म ने ते जानता न हता। ते स्थळ मां रहनारी स्त्रीओ पण कुटिल, पापीणी, दुष्ट बुद्धिवाड़ी, व्यभिचारिणी ने मिथ्या व्रत तथा आचार वाड़ी हती। आवा दुष्ट मनुष्यों थी भरपूर ते बाष्कल शहर मा एक बिंदुग नामनो महा अधर्मी ब्राह्मण रहतो हतो। ते दुरात्मा, महापापी, छता सारी स्त्री वालो हतो। तो पण कामवश थईने इंद्रियोनो निरोध निग्रह करीने तेने शिव मार्ग मा वाड़वा प्रयत्न करो। तो पण कामवश थईने वेश्यानो पति बन्यो अने सारा धर्माचरण वाली पोतानी चंचुला नामनी स्त्री ने तजीने कामवश बनेलो ते ब्राह्मण वेश्या साथे क्रीड़ा करवा लाग्यो। नठरा कर्म वाड़ा ते ब्राह्मणनो आम करता केटलोक वखत गयो। तेनी स्त्री चंचुला धर्मना भय थी अने क्लेशना भय थी काम पीड़ित थया छता धर्म भ्रष्ट न थई। हवे आम घणो वखत गया पछी नवी युवावस्था प्राप्त थता ते स्त्री पण काम वेग न सहन थता धर्म भ्रष्ट थई। कुमार्गे चालनारी ते स्त्री पति ने छेत्री ने रात्रिए गुप्त रीते व्यभिचार करवा लाग्यो। एक वखत काम थी विहवड़ बनी दुराचार करनारी पोतानी स्त्री ने रात्रिए व्यभिचारी साथे दुराचरण करती जोई। आथी ते ब्राह्मण एकदम दौड़ियो। ते बिंदुक ब्राह्मण ने आवतो जोई ने छळ कपट ने जाणनार ते स्त्रीनो व्यभिचारी त्यांथी नासी गयो। ते पछी बिंदुक ब्राह्मणे पोतानी स्त्री ने पकड़ीने मारवा मांडी। ते दुष्ट स्त्री पतिना मारथी क्रोधित थया छता निर्भय बनी पोताना दुष्ट पति ने कहवा लागी, पोताना पतिनी ज सेवा करवानी एवी मने तजी दईने तमे नठारी बुद्धि राखी वेश्या साथे क्रीड़ा करो छो। तो आप विचार करो कि काम थी आकुड व्याकुड बनेली स्वरूप वाली नव यौवना स्त्रीनी पति विनानी शी गति थाय। ते आप विचारो, हूँ महारूप वाली तेमज नवीन युवान अवस्था थी पूर्ण छू,
तो आपना संग विना कामजन्य दुख केम सहन करी शकू। तमे मने छोड़ीने वैश्याने त्यां पड़िया पाथरिया रहो छो अने मारी दरकार करता नथी, तेथी हूँ आड़ मार्गे जाऊँ तेमा मारो दोष शू छे? क्या सुधी आ बधु सहन करूँ? आम ज्यारे स्त्रीए कह्यू त्यारे ते नीच बिंदुक ब्राह्मण बोल्यो, ते सत्य कह्यू, पण हवे तने हितनी वात कहूँ ते सांभळ अने भयने तजी दे। तारे व्यभिचारी साथे सुखेथी निर्भय बनी विहार करवानी इच्छा होय तो कर, पण ते व्यभिचारीनू मन प्रसन्न करीने तेनी पासेथी धन लेती जा अने ते धन तू मने आप, जेथी हूँ वेश्याने आपू, एटले तारो स्वार्थ सुधरे ने मारो पण सुधरे। आवा पतिना वचन सांभळीने तेनी स्त्री चंचुलाए प्रसन्न थईने तेनू वचन मान्य कर्यो। दुष्ट मनवाड़ा ते बन्ने स्त्री पुरुषो निर्भय मनथी कुकर्म करवा लाग्या। आम ते बन्ने कुकर्म करता केटलोक वखत चाल्यो गयो। ते पछी ते ब्राह्मण मृत्यु पछी विंध्यांद्री पर्वतमा भयंकर पिशाच थयो। ते दुराचारी पतिना मरण पाम्या पछी पण ते मूढ़ बुद्धिवाड़ी स्त्री केटला काल्य पर्यत पोताना यार साथे घरवास करीने रही। आम समय जता ते स्त्रीनी युवावस्था कांक ओछी थई। एक वखत मोटी पवनी हती, ते दिवसे ते स्त्री पोताना बंधु वर्ग साथे गोकर्ण क्षेत्र में आवी अने प्रसंग ने अनुसरीने कोई पण तीर्थ स्थल में स्नान करीने ते त्यां फरवा लागी। तेटला मा कोई एक देवालय में शिव पुराण नी कथा वंचाती हती। तेमा जे व्यभिचारी स्त्रीओ हती ते मरण पाम्या पछी तेना जीव ने यमराज यमपुरी मा लई जई तेवी दुष्ट स्त्रीनी गुह्येन्द्रियमा अग्नि थी तपावे लोढ़ानू हथियार नाखे छे। आवा वैराग्य वर्धक वचनों सांभळीने ते व्यभिचारीनी स्त्री विह्वळ बनी ध्रुजवा लागी। पछी कथा वंचाती बंद रही ने श्रोताजनों सहु गया पछी एकांतमा कथा वाँचनार ब्राह्मण पासे जईने ते भययुक्त चंचुला स्त्री तेने कहवा लागी, मैं जिंदगीमा अधर्म ने दुराचार कर्या छे, जेमाथी मारो उद्धार थाय तेवो रस्तो तमे बताओ। तमारी कथा सांभळी मारा मनमा भय पैदा थयो छे, हूँ कंपी गई छूँ, मैं घोर पाप कर्युं छे, आथी मने नरकमा कोण बचावशे? त्यां अतिशय दुखदायी वेदना थशे, हूँ ते केवी रीते सहन करी शकीश? हूँ पापीणी छूँ, नरक रूपी सागर मा पड़ती तमे मने बचावो। इति संजात निर्वेदाम पतिताम चरण द्वये उत्थाप्य कृपया धीमांब भाषे ब्राह्मणः सहि। ब्रह्मा विष्णु अने रुद्र सृष्टिनी उत्पत्ति स्थितिने लयना कारण रूप मनाय छे।